हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके टुडे करंट अफेयर्स क्विज में। आज है 1 अगस्त 2018 की क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर होस्टिंग द 2018 इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, यानी कि 2018 के इंटरनेशनल आर्मी गेम्स हैं वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है। राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि 7 देश 2018 के इंटरनेशनल आर्मी गेम्स को होस्ट कर रही है। ये हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारस, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना और रशिया। ईरान और आर्मेनिया हैं वो आर्मी गेम्स को पहली बार होस्ट कर रहे हैं। 2017 के इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की बात करें तो रशिया फर्स्ट पोजीशन पे रहा था, चाइना सेकंड पे और कजाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे रहा था। पार्टिसिपेंट कंट्रीज की बात करें तो अजरबैजान है, उसकी कैपिटल है बाकू, आर्मेनिया है, उसकी कैपिटल है येरेवन, बेलारस है, उसकी कैपिटल है मिंस्क, ईरान है, उसकी कैपिटल तेहरान है। ईरान ने हाल ही में प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश एजुकेशन को बैन कर दिया है ताकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कंट्रोल किया जा सके। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। चाइना और बीजिंग है वो ब्रिक्स के पार्ट है। हाल ही में ब्रिक्स की समिट हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए ये ब्रिक्स की समिट कहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमान कौर थांडी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। करमान कौर थांडी है वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? राइट आंसर है टेनिस। वो टेनिस की एक खिलाड़ी हैं, वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और अंडर 200 जो WTA की रैंकिंग है उसमें आने वाली वो छठी भारतीय महिला है। WTA की बात करें तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और स्टीव साइमन है वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द मार्केटर ऑफ ईयर अवार्ड बाय इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। राइट आंसर है अमूल। अमूल को मार्केटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिया है। अमूल की बात करें तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। संविधान का 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रमोशन की बात करता है। अमूल का हेडक्वार्टर गुजरात में आनंद नामक जगह पर है। वर्गिस कुरियन है वो अमूल के सक्सेस से एसोसिएटेड है। वर्गिस कुरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर भी कहा जाता है, यानी कि श्वेत क्रांति का फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, यानी 2018 का एंटी ट्रैफिकिंग डे का थीम क्या था। राइट आंसर है रिस्पोंडिंग टू द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड एंटी ट्रैफिकिंग डे मनाया जाता है ताकि ट्रैफिकिंग के खिलाफ अवेयरनेस फैलाई जाए। इस साल का थीम था रिस्पोंडिंग टू द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, यानी कि मानव तस्करी को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने एक चाइल्ड हेल्पलाइन भी शुरू की है 1098 के नाम से। ये एक फ्री हेल्पलाइन है जो 24/7 यानी 24 घंटे सातों दिन एक्टिव रहेगी। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रेलवे मिनिस्ट्री के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि मानव तस्करी को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इन फोन टूरिज्म गाइड एंड मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्स दैट हैज लॉन्च्ड इन विच सिटी। इंडिया की मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्स दैट कौन से शहर में लॉन्च की गई है। राइट आंसर है चंडीगढ़। ये एप्लीकेशन एक टूरिस्ट गाइड का काम करेगी। ये चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में लॉन्च की गई है। ये एप्लीकेशन हर एक हेरिटेज साइट पर लगे QR कोड को स्कैन करके उस हेरिटेज साइट की ऑल ओवर हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ये इंफॉर्मेशन कई भाषाओं में उपलब्ध होगी जिससे टूरिस्ट हैं उनको इंफॉर्मेशन जानने में सहायता मिलेगी। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी दिया है 2016 में। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में ही भारत की पहली एडवांस DNA फोरेंसिक लैब भी है। इसको सखी सुरक्षा एडवांस फोरेंसिक लैब का नाम दिया गया है। ये लैब स्पेसिफिकली महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को कम करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। रॉक गार्डन की बात करें तो रॉक गार्डन के क्रिएटर थे मिस्टर नेमी चंद, जिनका कुछ वर्ष पहले निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सनकरमंगलम हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए वेटरन पर्सनैलिटी फ्रॉम विच फील्ड। जॉन सनकरमंगलम है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे।
राइट आंसर है फिल्म इंडस्ट्री। वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, वो एक फिल्मकार थे, इसके साथ साथ वो FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैं उसके फॉर्मर डायरेक्टर भी थे। FTII की बात करें तो प्रेजेंट FTII है वो पुणे में है और मिस्टर अनुपम खेर उसके डायरेक्टर हैं। इसके साथ साथ इंडिया ने दूसरा FTII बनाने की घोषणा भी की है, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। FTII मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सूचना एवं प्रसारण मिनिस्ट्री के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द 2018 मोहन बागान रत्न, यानी 2018 का मोहन बागान रत्न किसे दिया गया है। राइट आंसर है प्रदीप चौधरी, मिस्टर प्रदीप चौधरी को ये अवार्ड दिया गया है। मोहन बागान की बात करें तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है, इसकी शुरुआत 1889 में मिस्टर भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी, ये कलकत्ता बेस्ड एक क्लब है। इसके साथ साथ हाल ही में इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने मिस्टर सुनील छेत्री को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है मेंस कैटेगरी में, जबकि मिस कमला देवी को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है विमेन्स कैटेगरी में, और अनिरुद्ध थापा को एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मेंस कैटेगरी में, और ई पंथोई को एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है विमेन्स कैटेगरी में। हाल ही में समाप्त हुए फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने क्रोशिया को हराकर विश्व कप में जीत हासिल की है। ये विश्व कप रशिया में हुआ था, अगला विश्व कप 2022 में कतर में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन टू स्विम यूके फ्रांस चैनल, यानी कि यूके फ्रांस चैनल को स्विम करने वाले पहले ऐसे कौन से एशियन बने हैं। राइट आंसर है प्रभात कोहली, वो पहले ऐसे एशियन बने हैं जिन्होंने यूके फ्रांस चैनल को क्रॉस किया है। वो महाराष्ट्र से हैं, इससे पहले वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर चुके हैं जब वो 16 वर्ष के थे, अभी वो 19 वर्ष के हैं। हाल ही में एक और एशियन स्विमर ओशियन 7 को पार करने वाले पहले एशियन बने थे, उनका नाम है रोहन मोरे। वो पहले ऐसे एशियन स्विमर बने थे जिन्होंने ओशियन 7 को पार किया था, इसके साथ साथ वो ऐसा करने वाले यंगेस्ट स्विमर बन गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। रोहन मोरे भी महाराष्ट्र से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ स्ट्रेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यानी स्ट्रेस थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया है। राइट आंसर है प्रदीप कुमार सिन्हा कमेटी, प्रदीप कुमार सिन्हा जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो इस कमेटी के हेड होंगे। इसी साल फरवरी 2018 में एक कैबिनेट सेक्रेटरी का निधन हो गया था, उनका नाम है मिस्टर TSR सुब्रमण्यम। वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, इसके साथ साथ वो शिव नादर यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक स्कीम है सौभाग्य स्कीम, जिसका उद्देश्य है यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में बिजली पहुंचाना उसका उद्देश्य है। सौभाग्य स्कीम का मतलब है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप iHub द इंटेलिजेंट हब फॉर रिसर्च एंड साइंटिफिक लर्निंग, यानी कौन सी प्रदेश सरकार वो रिसर्च और साइंटिफिक लर्निंग के लिए iHub की शुरुआत करेगी। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश iHub की शुरुआत करेगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है मिस्टर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में अन्ना कैंटीन की शुरुआत की है जो सब्सिडाइज रेट पे सिर्फ 5 रुपए में फूड प्रोवाइड करवाएगा। इससे पहले तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन के नाम से ऐसी ही एक स्कीम चालू थी। इसके साथ साथ 2018 है उसको आंध्र प्रदेश तेलुगु प्रमोशन ईयर के नाम से मना रहा है। इसके साथ आंध्र प्रदेश ने ई प्रगति कोर इनिशिएटिव भी शुरू किया था जिससे वो सिटीजन्स को इंटीग्रेटेड तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 34 डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट कर दिया था। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश सनराइज 2022 के नाम का एक इनिशिएटिव चला रहा है। इस इनिशिएटिव के तहत आंध्र प्रदेश का उद्देश्य है 2022 तक इंडिया के टॉप 3 स्टेट में एक स्टेट बनना और 2029 तक डेवलप्ड स्टेट बनना। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट और इसको शेयर करिए मैक्सिमम। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही नया कंटेंट आए तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।